मेरे को नहीं पता था कि बॉक्सिंग नाम का भी कोई गेम होता है। फिर मेरे फादर कहते चलो चलते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं पेरेंट्स उनको बोलते हैं मेहनत करने के लिए तो वो बचते हैं, क्या कभी निधि ने ऐसा किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े तो छाने थे मामे कदे नहीं सोचते थे। फिर मार पर चिंद्रे दुआ आया अर्चा को ब्रिगिडवा आया ठीक हमारा काम था बटोड़े मिन दिन दे बार रात का गया ठा रात का गया और हमने करया भी किया है। पूरे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी स्वर्ण पदक जीत के लाई है। बेटों की बजाय बिटिया ने ये शुरुआत की है और मैं तो ये कहूँगा कि इस बेटी से निधि से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। गांव पाई की बेटी निधि डूल आज एशियन बॉक्सिंग चैंपियन बनकर अपने गांव में पधारी है। गांव वालों को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी लेकिन फिर भी जब भी उन्हें पता चला कि निधि आज अपने गांव में पधार रही है वो आज यहां पर पहुंचे हैं इनसे मिलने के लिए। तो निधि सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत लिया। शुक्रिया। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे गांव वासियों को देश भर को आप पे गर्व है कि आपने 10वीं कक्षा में ही आप इंटरनेशनल प्लेयर बन गई हैं, तो इस बारे में आपको अपने ऊपर कितना गर्व है? अच्छा लग रहा है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आपको पता चला कि यहाँ है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना इन्होंने किया, बहुत अच्छा था। आप कब से बॉक्सिंग खेल रहे हैं? 6 साल हो गए मुझे बॉक्सिंग खेलते। आपको बॉक्सिंग खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मेरे पापा से। वो पहले बॉक्सिंग करते थे फिर मेरे को भी था कि चलो कर लेते। मेरे को नहीं पता था कि बॉक्सिंग नाम का भी कोई गेम होता है। फिर मेरे फादर कहते चलो चलते। आपके घर वालों से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं जो घर वाले ही अगर बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो ही वो आगे जाता है, और अगर घर वाले ही बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाता। नहीं, मेरे पेरेंट्स हमेशा बच्चे के साथ जैसे हाथ पकड़ के रहते हैं वैसे रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं प्रैक्टिस करती हूँ तब मेरे साथ रहते हैं, कभी मेरे को अकेला नहीं छोड़ा। देखिए पहले के टाइम में लड़कियों को घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था, पढ़ाई के लिए भी अलो नहीं करा जाता था। जो आज के टाइम में भी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो लड़कियों को नहीं अलो करते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं, इन्होंने हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिला के चला है, यही बहुत है। आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? मेरे कोच वेंदर डांगी। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, उनकी ट्रेनिंग कैसी रही? उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, वो स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा करते थे। मेरे को छोटे से लेके बड़े तक उन्होंने जैसे पेरेंट्स की तरह रखा है, एक फैमिली मेंबर है। देखिए आप क्या अभी आप पहली बार इंटरनेशनल खेल के आए? यस, पहली बार। आप पहली बार देश से बाहर गई, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है अगर हेजिटेशन नहीं होती तो नर्वसनेस कहीं ना कहीं से आ जाती है कि मैं पहली बार खेल रही हूँ, बाहर के बच्चे हैं कि इनका लेवल भी अलग हो सकता है, तो आपके अंदर क्या कुछ नर्वसनेस रही? नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं। अगर जहाँ हम ठीक हैं सही हैं तो वहाँ पर चलो, पीछे मुड़ना ही नहीं, जो रास्ता आपके पास है चलते रहो। तो बुआ जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव की बेटी इंटरनेशनल एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत कर आई है? ये पूरे गांव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी स्वर्ण पदक जीत के लाई है, वो भी पहले इंटरनेशनल गेम में। तो हम ये देख रहे हैं अभी तो युवा में जीत के लाई है, फिर आगे जाएगी और भी पदक जीत के लाएगी और भी देश का नाम रोशन करेगी, गांव का नाम रोशन करेगी, पूरे पाई का नाम रोशन करेगी। तो अभी आप इलेक्शन में खड़ी हैं, अगर आप जीत जाती हैं तो आप इन जैसी बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? मेरा सारा फोकस ही महिलाओं के ऊपर है, क्योंकि मैंने देखा है जैसे मैं गांव में जाती हूं, मैं देख रही हूं कि पुरुषों की अपनी राय है, महिलाओं की जो राय है वो पुरुषों के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या पुरुष सोच रहे हैं घर के, उसके ऊपर महिलाओं की राय डिपेंड करती है। तो मैं चाहती हूं वो भी इंडिपेंडेंट सोचे। ऐसे लोग सामने निकल के हैं जिनके बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जैसे निधि जितने टैलेंटेड हैं, वो अपने बच्चों के साथ उनको आगे बढ़ाएँ, उनको मोटिवेट करें कि वो पढ़ाई में खेलों में आगे बढ़ें। तो मैं ऐसे लोगों को देखना भी चाहूंगी, उनको सपोर्ट भी करना चाहूंगी, उन्हें आगे बढ़ाना चाहूंगी। दादी जी थारे टीम में छोरिया ने पढ़न भी देख रहे थे घर तक बाहर को लिखने दे थे, आज तो हमने कितनी खुशी हो रही थी गांव की बेटी बॉक्सिंग खेल रही। जमा खुश तो भी खुश हां, और बाहर लिखने को दे थे, गोबर ठुआए दे थे, घर लिपु आए ले थे, छिंदरे धुआ ले थे, और हमने बाहर लिखने देवा जा, हमें और नहीं आगे नोड़ दे हैं हम, और ई बड़े तो छाने थे मामे कदे नहीं सोचते थे। फिर मार पर छिंदरे धुआ आया अर्चा को ब्रिगिडवाया ठीक हमारा काम था बटोड़े मिन दिन दे बार रात का गया ठा रात का गया और हमने करया भी किया है। आप निधि के ताऊ हैं तो कहीं ना कहीं जब भाई भाई के बच्चे सफल होते हैं तो एक बड़े भाई को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो भी इनके बड़े पापा की तरह काम करते हैं, तो आपको कितनी खुशी हुई जब निधि ने बॉक्सिंग में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता? जी बहुत खुशी हुई जब हम इनका मैच देख रहे थे, सारे मैच देखे मैंने इनके लाइव, और जैसे मतलब इन्होंने जीता और मैच जैसे मतलब अभी हमें बॉक्सिंग की काफ़ी नॉलेज हो रही है, इनको इनके गेम देखते देखते प्रैक्टिस करते हैं,
तो हम लाइव देखते हैं, मतलब लाइव देखते देखने के टाइम में ये लगता है कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पंच लगाया, कितने अंक मिले, उसकी नॉलेज है। और जैसे ही मैच मतलब चलता है, हम ये पंच चलते इसके तो खुशी हुई, और उसके मतलब पहले से ही हमने ये पता लगा लिया कि मैच हाँ हमारी फेवर में है, कितना फेवर में है, कितने अंक मिलेंगे। तो अच्छा खेलता है बच्चा अभी तो, बाकी बाबा विष्णुपुरी और परमात्मा की कृपा रही और भी अच्छा रहेगा आगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कितनी खुशी हो रही है कि आज आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया? बहुत खुशी है। इनसे हमने जब पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके रोल मॉडल आप रहे हैं, आपकी वजह से इन्होंने बॉक्सिंग खेलना शुरू किया। आपको कैसा लगता है कि आपका सपना आपकी बेटी ने पूरा किया? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने ही इसकी बॉक्सिंग स्टार्ट कराई थी। इन्होंने कहा था मैं छोटी है, क्या मैं मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहा बेटा आप एक इंडिविजुअल गेम करो, बॉक्सिंग बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सर कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको बोलते हैं मेहनत करने के लिए, तो वो बचते हैं, क्या कभी निधि ने ऐसा किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चा वो करता है क्योंकि उसको पता नहीं होता, उसको थोड़ा सा मंथ टू मंथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती, उसके बाद इसने ऐसा कुछ नहीं किया, खूब सपोर्ट किया। सर आपके मित्र की बेटी आज इंटरनेशनल एशियन बॉक्सिंग चैंपियन बनकर अपने गांव में पधारी है, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि एक मित्र की जब बेटी कहीं ना, एक मित्र का जब बच्चा सफल होता है तो मित्र को बहुत बड़ी खुशी होती है। बेटा देखो, राजेश कुमार जी मेरे मैट्रिक कक्षा तक क्लासमेट रही है और ये शुरुआत से ही इनका बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से ये वो नहीं कर पाए जो इनका सपना था, और उसके बाद ये जॉब पे लग गई तो गेम से बॉक्सिंग से ये दूर हो गई। लेकिन इनका जो सपना था जो ये स्वयं पूरा नहीं कर पाए, आज बिटिया ने इनके सपने को पूरा कर दिया। ये जहाँ इनके लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, वहीं हमारे गांव के लिए, समाज के लिए और हमारे ज़िले, हमारा जो प्रांत है, पूरा देश है, एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जैसे ही हमें पता चला तो सारे गांव ने स्टेटस लगाने शुरू कर दिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यानी इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि पहली बार गांव की एक बेटी ने वो उपलब्धि प्राप्त की जो आज तक हमारे समाज ने, हमारे क्षेत्र ने, किसी भी ने इस गांव में अब तक ये उपलब्धि प्राप्त नहीं की। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बेटों की बजाय बिटिया ने ये शुरुआत की है, और मैं तो ये कहूँगा कि इस बेटी से, निधि से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो आजकल जो युवा हैं नशे में या अन्य जो असामाजिक कार्य हैं उनमें जो संलिप्त हो गए हैं, उनसे दूर होकर इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और साथ में श्वेता बहन खड़ी है, इनसे भी मैं कहूँगा कि इन बेटी से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इन जैसी बेटियाँ आगे निधि जैसी बेटियों को प्रेरित करती हैं, तो ये एक समाज के लिए एक आईना भी है, एक सीख भी है, एक प्रेरणा भी है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं परमपिता परमात्मा से यही कहूँगा कि आज इस पावन धरा पर, बाबा बिशनपुरी के इस पावन धरा पर सबको ये प्रेरणा लेके जानी चाहिए, और भविष्य में भी ऐसी उपलब्धियाँ हो। और आगे भी मेरा आशीर्वाद है इस बिटिया को कि ये बिटिया ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए, और फिर दोबारा से, क्योंकि आज एक इन बिटिया का बहुत बिजी शेड्यूल था, जैसे ही मुझे पता चला है कि बिटिया रात को ही आई है, तो इसलिए गांव वालों को तो पता ही नहीं था, खुद मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि आजकल पता है कुछ तो सीजन का समय है, जीरी कटाई का समय है, गाँव वाले उसमें बिजी हैं, इसके अलावा भी बिजी शेड्यूल था तो पता न होने की वजह से, लेकिन फिर भी जैसे ही चंद मिनटों में जिसको भी पता चला वही बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।